मैं समझ ही नहीं पाता भारती, लेकिन तुम्हारे दिल में क्या है मैंने वो समझ लिया है। मेरी प्रॉब्लम का सलूशन बस तुम ही हो। माय गॉड, अरमान के जज्बात मुझे अब तक फील हो रहे हैं डूड। सी, आई गॉट गूज़बम्स आल्सो टिल नाउ। कितना रोमांटिक था यार। जब से तुम नहीं हो पता नहीं सब कुछ खाली खाली सा लगता है। हाय। हाँ यही तो प्रॉब्लम है तुम जैसी लड़कियों का कि मर्द तीन चार इमोशनल लाइनें बोलते हैं और तुम फिसल जाती हो। एक्चुअली ना गलती हम मर्दों की नहीं तुम जैसी लड़कियों की है जो एक मिनट में फिसल जाती हैं, राइट? ओह रियली? यस। उस हिसाब से तो तुम भी हमारे जैसी हो मिस भारती। एक्सक्यूज मी मैडम, मैं सिर्फ यहाँ से भारती हूँ लेकिन यहाँ से मैं शत प्रतिशत भास्कर हूँ। अच्छा जी। हाँ जी, तुमने देखा नहीं अरमान मेरा ही फॉर्मूला कॉपी कर रहा था, फॉर्मूला नंबर 4। मैंने ना देखते ही पहचान लिया था। नथिंग। मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा कि तुझे अरमान की बात का कोई असर नहीं हुआ। असर? No way, are you mad or? I don't believe. No. Never. Payal, इन सब बातों का मुझ पर कोई असर नहीं होता। You know why? Because I am the man. I am the man. Yeah. I'm the man. उन लड़की को छेड़ रहे थे और मैं यूं गुस्से में आया, यूं गुस्से में जो उसका कॉलर। गुड मॉर्निंग सर। सर अमर जी आपको कैबिन में बुला रहे हैं। इमेज तो तब रहेगी बेटा जब नौकरी रहेगी। ने क्या बोला? अब ऑफिस में आ गए, खिड़की से नीचे देखा ना मैं। अब सुन, दोबारा पूछे बोलना मैं किसी बहुत जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ, ठीक है? अरे सर लेकिन मैं ऑलरेडी बोला कि आप आ गए। क्या करेगा ज्ञान, जाकर सीधा सीधा मन जी से वो बोल दे कि बॉस भारती वापस नहीं आने वाली, जो हो सके कर लो। क्या होगा यार, ज्यादा से ज्यादा नौकरी चली आएगी ना। खोते दी औलाद, एक काम दिया था वो भी नहीं कर सका ठीक से, तुझसे बेहतर तो नारायण है नारायण, उसे ना बना दूं मैं एडिटर। तू जा पैंट्री में और सबके लिए चाय बना, चाय। तो चाय। थैंक यू सर। अमरजीत आपके बारे में पूछ रहे थे। ज्ञान, इससे पहले अमरजीत आया ना तू भाग ले। ज्ञान शेर मेरे पर कितने जा रहा है भाई? मैं कहाँ जाऊँ, मैं तो आप ही से मिलने आ रहा था। अच्छा सर, इम्पोर्टेंट बातें करनी है ना, स्टाफ के सामने नहीं करते, अंदर चल के करते। आइए सर। चलो भाई मेरे बहादुर शेर, फुल एंड फाइनल में बता क्या तोपे चलाकर आ रहा है। भारती मिली? मिली ना सर। सर बहुत अच्छे से मिली सर। जैसे भारती मिली ना मैंने उस पर अपना प्लान जी फिट कर दिया सर। प्लान जी? प्लान क्या ना सर। सर पता है क्या, जैसे मैंने उसे अपना प्लान बताया ना उसके अंदर का हैवान मर गया सर। तेरे लेना ज्ञान, मैं इंसान नहीं हूँ, समझ में आया? हैवान हूँ, हैवान। अच्छा क्या बोला उसने? सर बोला क्या सर, सर जैसे मैं उसके घर गया ना उसने मुझे बड़े प्यार से बिठाया। Shut up and get up. और सर जब मैंने उसे वापस बुलाया ना तो उसकी तो बोलती बंद हो गई सर। अपने मेंस यूनिवर्स का बोरिया बिस्तरा उठा और दफा हो जा मेरे घर से। यार मैं जानता था ये लड़कियां होती है ना जितना भी तोप बने अंदर से बहुत कमजोर होती है। सर सर माफी मांगने लगी मुझसे। सर माफी छोड़िए सर, वो तो मेरे पीछे ही पड़ गई सर। गुस्सा क्या ज्ञान, तूने मेरा गुस्सा अभी तक देखा नहीं है, ले आज तू मेरा गुस्सा भी देख ले। एक बार बता भाई मेरे बारे में कुछ खास नहीं? अमरजीत ने कुछ ज्यादा टक 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 किया ना तो टायर वाले को बोलना आके मैं सब पंचर कर दूंगी, समझ में? सर आपके बारे में तो तारीफ पे तारीफ सर। सर कहने लगी कि अमरजीत सर को बोलिए मुझे इतनी इम्पोर्टेंस मिल रही, क्योंकि अगर मुझे इतनी इम्पोर्टेंस मिली तो मैं तो पुराने टायर की सरा फूले नहीं सुनाऊंगी। हाउ टचिंग यार, ये बंदी ना बिल्कुल भास्कर टाइप है। कल सुबह सर उससे मुझे बोला कि वो कल सुबह ही ऑफिस आएगी।
भारती वापस आ रही है, मुझे तो लग रहा है मेरी सासें वापस आ रही है। वाहे गुरु, थैंक यू ज्ञान पुत्र। तू यार सभी मेरे नींद के दुश्मन हैं। देखी तो रहा, जब से तुम्हें देखा है हर जगह सिर्फ तुम ही दिखती हो और कुछ दिखता ही नहीं। अब सिर्फ ये देखना है कि जिस नजरिए से मैं तुम्हें देखता हूं क्या तुम भी मुझे ऐसे ही दिखती हो। बजाने का ज्यादा किया ना, भाग क्यों आठ लग जाएंगे। जेनी, एनी न्यूज़ अबाउट भारती? सर आज आई नहीं सर वो। ओके, अच्छा जब सनी आएगा तो उसको मेरे कैबिन में भेज देना। ओके सर। देवा रे देवा, अरे ये क्या सोचा था और ये क्या हो गया? वो सनी है ना, वो एक खरबूजा है और उसको देख कर ना या हाय स्वीटीज, अरमान को देखा? देखा ना, पर तुमसे ज्यादा कौन देखेगा। जेनी स्वीटी, अरमान आया क्या? हाँ हाँ सन्नी, तुम ना उसको आयाज बना के रखना। क्या रखा रे उसमें इतना? शट अप। ओके, वेयर इज माय अरमू? अरमू क्या दिखता है रे इसको अरमान में? पता नहीं मेरे को, वो ही जो मुझे दिखता है और जो पहले भास्कर में नजर आता था। ओ भास्कर, आई रियली मिस यू। ये तुम्हारी। थैंक्स फॉर द फ्लावर्स सनी, लेकिन ये फूल तो मुझे क्यों दे रहे हो? कम ऑन अरमू डार्लिंग, तुम्हारा हाले दिल मेरे लिए खुली किताब है। ओके, तुम्हारा हाले दिल एक खुली किताब है, ये तो भारती के लेटर में था ना? क्या भारती ने मेरी ओरिजिनल लाइन चुरा ली? क्यों?
तुमने मुझे वो लिखा था, तुमने मुझे वो लेटर क्यों लिखा? हाँ एक्सक्यूज मी, आप लोग यहां क्या कर रहे हैं? क्यों लिखा? माय गॉड, और मैंने क्या किया? मैंने सीडी बनाकर भारती को भेज दिया। मैंने क्या किया? क्या मैंने क्या किया अरमान? ये तुमने क्या किया? वो सीडी मेरे लिए नहीं थी, भारती के लिए थी। How could you, अरमान? How could you? ला? भास्कर, इस टॉपिक को च्युइंगम की तरह और मत खींचो प्लीज। अमरजीत इज सॉरी फॉर व्हाट ही इज डन, ऑलराइट? अब बोलो ऑफिस जा रहे हो कि नहीं? नहीं जाऊंगा, तब उन सालों को पता चलेगा। तुम ना अपनी भास्कर गिरी से कभी बाज मत आना, यू एंड योर मेल ईगो। एक्सक्यूज मी मैडम, बात ईगो की नहीं है, बात अरमान की है। सर फिर से अरमान? मुझसे ज्यादा ना तो तुम पर उस सीढ़ी का असर हुआ है। हो वो वन सेकेंड, मुझसे ज्यादा इसका मतलब तुम पर थोड़ा असर तो हुआ है। शराब पाए अरमान। नो अमरजीत, उठाओ। नहीं उठाना। अरे तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है भास्कर? तुम क्या चाहते हो? हाँ नहीं, क्या चाहते हो कि वो बैंड बाजे के साथ हाथी पर चढ़ के तुम्हें लेने आए? नॉट अ बैड आइडिया पायल, उन लोगों ने मेरी इतनी बैंड बजाई है यार, थोड़ा हक तो मेरा भी बनता है ना उनकी बैंड बजाने का। बजाओ और बजने दो। भारती फोन उठाओ, फोन उठाओ भारती, लेट अस कम टू ए कंक्लूजन। कॉल लो। यार तुम्हें क्यों इतनी टेंशन हो रही है? मेरा फोन है, मैं उठा लूंगा यार। और वैसे लगना भी नहीं चाहिए ना कि मैं उतना डेस्परेट हूँ जितना कि वो। एंड बाय द वे, तुम क्यों इतनी डेस्परेट हो रही हो मुझे वापस ऑफिस भेजने के लिए? क्योंकि मेंस यूनिवर्स की पार्टनरशिप शायद तुम्हारे लिए इतने मायने नहीं रखती है, लेकिन भास्कर के लिए रखती थी। और शायद ये फोन कॉल भास्कर की मेंस यूनिवर्स की नौकरी की आखिरी उम्मीद हो, और उसके सपने की भी। ग्वालियर की हवेली, खैर छोड़ो। इस वक्त मेरे सामने ना मुझे भास्कर नहीं दिख रहा है, भारती दिख रही है, जिसको भास्कर के सपने से ज्यादा अपनी फिक्र है। नहीं उठा लेना चाहिए फोन। हेलो, काट दिया। कोई बात नहीं, दोबारा फोन आएगा, आएगा तब मैं उठाऊंगा। दोबारा फोन करेगा? लेकिन तुम दोबारा से उसका फोन नहीं उठाओगे। मैं बताऊं क्यों? क्योंकि ना तुम अरमान। पायल अगर तूने अरमान का नाम एक और बार लिया ना, आई स्वेयर मैं तुझे यही सीढ़ी उठा के फेंक के मारूंगा। तू मुझे हाथ तो लगा के दिखा भास्कर भारती, अगर मैंने तेरे सारे दांत तोड़ के तेरे हाथ में नहीं दे दी ना, तो मेरा नाम भी पायल नहीं, समझे? तुम अरमान से कतरा रहे हो, इसीलिए तुम उसका फोन नहीं ले रहे हो, समझे? पीरियड। मैडम मैं कमजोर नहीं हूँ, और वैसे भी मैंने तुम्हें कभी किसी के प्यार में कमजोर नहीं देखा है, तो तुम मुझसे ऐसे कैसे एक्सपेक्ट कर सकती हो? हाँ एक्सक्यूज मी, मैं कोई लाजवंती नहीं हूँ, राइट? मैं भास्कर हूँ, भास्कर। कमाल है भाई, फोन क्यों नहीं उठा रही? ज्ञान तो कह रहा था कि नौकरी में वापस आने को तैयार है, कि इतनी खुश थी कि टायर की तरह फूला न समाएगी, तो फिर फोन क्यों अवॉइड कर रही है मेरा? कहीं ज्ञान ने आई एम कमिंग टू अनदर कंक्लूशन। सर तुमने ऐसे क्यों किया अरमान? मेरे क्या क्या सपने देखे थे मालूम है? कि हम लोग शादी करेंगे, हनीमून पे जाएंगे, हमारे बच्चे। अपना घर बसाएंगे हम लोग, लेकिन मेरे दिल के अरमास में पहले उसके प्यार में आप न जाने क्या क्या कह गए। सन्नी देख, तू मेरी बात सुन ले,
अभी भी देर नहीं होए लिए, तू ये मर लोगों को छोड़ दे और कोई अच्छी सी लड़की देख के ना शादी बना डाल। शादी लड़की से? तुमने मुझे समझा क्या है? भारती, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? कॉन्फ्रेंस रूम। अमेजिंग ज्ञान, भारती आज काम पर वापस आ जाएगी। अरे कहाँ से लाओगे भारती को? नीता, मैंने तुम्हें बताया इसका मतलब ये नहीं कि तुम पूरे ऑफिस को बता दो। मेरे धीरे बोलने से तुम्हारी प्रॉब्लम धीमी नहीं हो जाती। अगर अमरजीत को पता चला ना तो इस ऑफिस में बहुत बड़ा धमाका हो जाएगा। करेक्ट। सर, ज्ञान पुत्र, तूने झूठ बोलिया ना मुझे? नो सर, यस सर। विनीता, प्लीज स्टार्ट द काउंटडाउन। यस सर। सर सर सर, आई कैन एक्सप्लेन। सर, मैं भारती के घर गया था सर, मैंने माफी मांगी सर, बहुत अजीब लग गया सर, इसमें सर मुझे तो चाहिए आपको क्या क्या बातें बोली सर। टू प्लीज सर, डोंट डिसाइड मी सर। गोते दी औलाद, एक काम दिया था वो भी नहीं कर पाया ठीक से, हैं? वो किस गधे ने तुझे एडिटर बनाया भाई, हाँ? सर आपने सर। वो तुझसे बेहतर तो नारायण है नारायण, उसको ना बना दूं मैं एडिटर। सर मेरे पास आज भी बहुत अच्छे आइडियाज हैं सर, मैं सब ठीक कर दूंगा। लुक अराउंड, लुक अराउंड। भारतीय है? नो सर। तो अपने आइडियाज को लगा और जाके ला। जी सर। चाय सर? भारती भाई भारती, भाई डिस्ट्रीब्यूटर स्पॉन्सर सबको भारती चाहिए भाई भारती। अगर भारती नहीं आई तो मैं इस कंपनी पे इतना बड़ा ताला लगा दूंगा, इतना बड़ा, तेरा बाप भी नहीं खोल पाएगा उसे फिर। And that will be your conclusion. Understand? Idiot. पायल की बच्ची? What? बजना यार। अमरजीत सर, this is really not happening यार। अरे यार इतना मेल ईगो यार। यार मैंने घमंड में एक बार फोन नहीं उठाया, इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझे फोन ही ना करें वापस, really? Please. Hello. 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 हेलो मैडम। सर ने भेजा, आप क्यों आते? कौन सर? अरमान सर? नहीं, अमरजीत सर। आज आपका बर्थडे है? नहीं, पर होने वाला है क्योंकि मेरा दूसरा जन्म है। जय शंकर। भारती, मैं इस कंक्लूजन पर आया हूँ कि तुम्हें ऑफिस से निकालकर मैंने बहुत बड़ी गलती की। एग्जैक्टली। और फिर ज्ञान को तुम्हारे पास भेजकर तो और भी बड़ी गलती की। एग्जैक्टली सर, अब आपको समझ में आया। प्लीज मुझे माफ कर दो। कर दिया, कर दिया, कर दिया। और ऑफिस वापस चली आओ। प्लीज योर्स इन कंक्लूजन। यस यस, आई एम रियली द मैन। पायल की बच्ची? What? अरमान अरमान कर रही थी ना? अब मैं बताता हूँ कि भास्कर क्या चीज है। पायल की बच्ची, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा आज।
सॉल्यूशन बस तुम ही हो।